हाई ब्लड शुगर, कितने ब्लड शुगर को हाई ब्लड शुगर माने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने ब्लड शुगर को माने कि वो हाई ब्लड शुगर है, ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? जब ये पहली बार डिसाइड हुआ तो क्या किया गया, उसको समझते हैं हम। 1979 में पहली बार सोचा गया कि कितने ब्लड शुगर को हम हाई माने, तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं मेडिकल की दुनिया में। तो उसमें पीमा इंडियन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है या सबसे ज़्यादा हाई लोगों की शुगर रहती है, पीमा इंडियन ऐसे 1213 लोगों को इकट्ठे किए। मान लो यहाँ 1213 लोग हैं, या मान लो यहाँ 500 लोग हैं, और सबके ब्लड शुगर नापे गए, राइट, समझ आए। उसमें से करीब 20% लोगों के 100 के आसपास निकला, करीब 30% लोगों के करीब मान लो 125 के आसपास निकला। ऐसे ग्रुपिंग कर दिया, जैसे इसमें हिस्टोग्राम ऐसे एक ऐसा बन गया। कितने मान लो करीब 20% लोग हैं जिनके 400 से ऊपर भी है, ठीक है, ऐसे करके एक हिस्टोग्राम बना दी, जो कि हम इस ग्रुप का भी बना सकते हैं इजीली। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो बीच का पॉइंट है, यहाँ बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक पहाड़ सा बन गया। और कनेक्ट करने के बाद इसका एक बीच का पॉइंट बन गया, मतलब जो इस पहाड़ को इस पहाड़ से कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं बाई मोडालिटी पॉइंट, राइट, ये जो पॉइंट है। अब यहाँ की ये देखा गया कि इसमें जो इस तरफ वाले पहाड़ है, इसमें 77 लोगों की आंखें खराब हो गई, और इस तरफ वाला पहाड़ जो है इसमें एक को भी कोई वो की आंखें खराब नहीं हुई, रेटिनोपैथी। तो ये मान लिया गया वो जो पहाड़ का, दोनों पहाड़ का मीटिंग पॉइंट है, वो हम रखेंगे ब्लड शुगर का थ्रेशोल्ड, मतलब इससे ज्यादा होगा तो उसको डायबिटीज माना जाएगा, क्लियर होगी बात। लेकिन वो कितना रखा फिर कि 200 या 200 से ऊपर अगर होगा तो डायबिटीज माना जाए। लेकिन आप इसको गौर से देखिए, ये सीधा मैंने मेडिकल जर्नल से लिया है, क्या ये पॉइंट जो है दोनों को आपस में मिलता हुआ 200 पे है, ये करीब 250 के आसपास है, देख रहे हैं आप। तो 200 को अप्रोक्सीमेट ले लिया, उसको पत्थर की लकीर नहीं बनाना है, लेकिन मेडिकल जर्नल में अगर देखेंगे तो 200 नहीं था वो, राइट, वो कैसे 200 हो सकता है, 201 119 ऐसे क्यों नहीं है, वो एक्जैक्टली 200 ही क्यों है? 200 सबको आसानी से याद रहेगा, चलो 200 रख दिया जाए, राइट। लेकिन रियलिटी ये है कि वो 200 नहीं था, वो 200 और 400 के बीच में कहीं यहाँ था, 200 300 के बीच में कहीं यहाँ था, ये पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट के इधर वाले, इनको किसी को रेटिनोपैथी नहीं है, इधर वाले इनको, इनमें से भी 77 लोगों को रेटिनोपैथी है, सबको नहीं है, राइट। तो चलो भाई, इतने से पहले वाले तो सेफ है, तो इसको हम मान लेते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज की शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई, और आज भी जब डायबिटीज के लिए रेफर करते हैं तो वही वाले को रेफर करते हैं, कोई नया और एक्सपेरिमेंट और ट्रायल नहीं हुआ, उसी ट्रायल को ही मेन मानते हैं जिस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, WHO ने ये जो 1979 का ट्रायल हुआ था इसको अपना लिया, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, भाई WHO आप अपना ट्रायल करो, तो उन्होंने अपना ट्रायल करके देखा, सेम से जैसे मैंने बताया, तो उनका जो निकला पीमा इंडियन पेन ऑरियंस पे, वो निकला 250 से ज़्यादा, सेम वही निकला। तो नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप NDDG बोलते हैं इसको, उनका भी 250 से ऊपर, लेकिन उनको उन्होंने जो ऐलान किया वो 250 ना बोल के 200 का ऐलान कर दिया। लेकिन WHO ने भी देखा कि वो 250 है। उसके बाद ऐसा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया इंडिया वर्ल्ड ओवर, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज 1982, जिन्होंने देखा कि 227 से नीचे जिनका ब्लड शुगर है उनको 0% रेटिनोपैथी है, और 227 से ऊपर जो है उनको 17%, उनमें से भी 17, मतलब 100 में से 17 लोगों को ही रेटिनोपैथी का कोई साइन या सिम्टम देखा गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह से रिजल्ट दुनिया में आए, कलेक्ट होते गए। ये सारा जो कलेक्शन हुआ 1979 से लेकर 1982 1983 तक ही हुआ। उसके बाद आज भी जब रेफर करते हैं तो उन्हीं वाले चीज़ों को रेफर करते हैं, उन्हीं वाले रिपोर्ट्स को ही रेफर करते हैं जो आप डायरेक्टली अभी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ये जब सारे हो रहे थे ट्रायल्स, तो जो ब्लड ले रहे थे पेशेंट का, वो ब्लड ले रहे थे वेन से, वेन से ब्लड। अगर जब कोई आता है आपको लाल पैथ लैब से, तो कहाँ से लेता है वो? वेन से लेता है। लेकिन आप जब खुद घर पे टेस्ट करते हैं, कहाँ से टेस्ट करते हैं? फिंगर से करते हैं। वेन से जब भी ब्लड लेंगे तो ब्लड शुगर आपका 10% कम आएगा, राइट। लेकिन आप तो फिंगर से ले रहे हैं ना, तो जितना भी ब्लड शुगर आपका आया, राइट, उससे 10% और ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्टैंडर्ड मानते हैं, 227 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, लेकिन आप अगर इससे लेंगे फिंगर से तो 227 से भी 10% और ज़्यादा, यानी करीब 250। यानी कि अगर आप लैब से टेस्ट कराते हैं तो लगभग 227 से कम आपका ब्लड शुगर आना चाहिए, और घर पे टेस्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए? 250 से कम आना चाहिए। ये सिंपल एक वो रूल है कि जब भी आप फिंगर से टेस्ट करेंगे, कैपिलरी से ब्लड लेंगे, तो वहाँ शुगर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, राइट। इसीलिए फिंगर वाला ज़्यादा है, या तो वेन से टेस्ट कीजिए,